हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू क्लास 10th बायोलॉजी क्लास। आज बेटा हम बात करेंगे अपनी जो लास्ट वीडियो में हमने अपना नई इकाई और नई यूनिट जो हमने नए चैप्टर के साथ शुरू करी थी उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपने न्यू यूनिट स्टार्ट करी थी यूनिट 5th, जिसका नाम था प्राकृतिक संपदाएं या संसाधन, और उसी का चैप्टर हमने लिया था सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ऊर्जा क्या होती है, स्रोत क्या होते हैं, एक अच्छे स्रोत में क्या क्या गुण होने चाहिए, और ऊर्जा के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, या गैर विकल्पी स्रोत और विकल्पीय स्रोत। ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। आज हम बात करेंगे ईंधन के बारे में कि ईंधन क्या होता है, उसका ऊष्मीय मान क्या होता है, और एक आदर्श ईंधन के क्या क्या गुण होने चाहिए। इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने आज टॉपिक को, जिसका पहला पॉइंट है हमारा ईंधन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्यूल। कि ईंधन क्या होता है, ईंधन क्या है, वो पदार्थ या वे पदार्थ जिन्हें जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है वे ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ है जैसे कोयला, लकड़ी, LPG, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, इन सबको जब हम जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमें ऊष्मा मिलती है, तो वो सब हमारे लिए क्या कहलाए जाएंगे, ईंधन। तो वे पदार्थ जो पूर्ण रूप से जलते भी हैं और पूर्ण रूप से जलने के पश्चात ऊष्मीय जो आपकी ऊर्जा है उसे ऊष्मीय ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं उसे हम ईंधन कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी ईंधन हम जला रहे हैं, आप सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हर जो आपका कोई भी किसी भी अगर हम टर्म को पढ़ रहे हैं तो उसकी अपनी क्या होती है, भौतिक राशि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी एक अपनी इकाई होती है, एक यूनिट होती है। कोई भी टर्म अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी अपनी एक यूनिट है। जैसे चाल है, उसकी क्या है, उसकी है आपकी मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से द्रव्यमान है, उसकी क्या है, भार है, उसको हम भार में नापते हैं। तो इस तरीके से कोई भी भौतिक राशि जब हम ले रहे हैं तो उसकी अपनी एक इकाई होती है। तो इसी तरीके से जो हीट है, ऊष्मा है, उसकी जो इकाई है वो क्या होती है, वो होती है कैलोरी, या हम कह सकते हैं कि ऊष्मा को हम किस में नापते हैं, कैलोरी में। ऊष्मा का मात्रा क्या है, कैलोरी है। तो उसी से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम कि कैलोरी मान, या हम कह सकते हैं कि ईंधन का कैलोरिक मान क्या है। यह आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक। कैलोरी मान क्या है कि वो सभी जो ईंधन है जब हम उन्हें जलाते हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया कि वो जलाने पर क्या दे रहे हैं, ऊष्मा देते हैं, लेकिन हर ईंधन की जो कैलोरी मान है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। पेट्रोल जो है उसका कैलोरी मान अलग होगा, डीजल का अलग होगा, LPG का अलग होगा, और आपका लकड़ी का अलग होगा, कोयले का अलग होगा। तो सभी का अपना होता है कैलोरिक मान, लेकिन समान नहीं होता, हर एक का अलग अलग होता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई आदमी दो रोटी खा लेता है, कोई चार खा लेता है, कोई आठ खा लेता है, कोई 12 खा लेता है, तो खाते सब हैं रोटी, लेकिन सबकी क्या है, खाने की जो वो है, रोटियों की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। तो उसी तरीके से हर ईंधन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो अलग अलग होती है, ऊष्मीय मान उनका अलग अलग होता है, कैलोरिक मान अलग अलग होता है। तो वो मात्रा, या हम कह सकते हैं कि ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी भी ईंधन को किसी भी 1 किलोग्राम ईंधन को
पूर्ण रूप से, ये नहीं कि आधा जल गया और आधा रह गया, पूर्ण रूप से जलाने पर प्राप्त होती है, प्राप्त होती है उसे ईंधन का ऊष्मीय अथवा कैलोरिक मान कहते हैं। उसे ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरिक मान कहते हैं, कैलोरी मान कहते हैं। अब बात करेंगे हम कि कोई भी जो ईंधन है उस एक हमने हम कहते हैं हम इतने सारे ईंधन जलाते हैं, तो एक आदर्श ईंधन अगर हम बात कर रहे हैं तो उस आदर्श ईंधन के अंदर क्या क्या विशेष गुण होने चाहिए। एक आदर्श ईंधन के गुण, आदर्श या उत्तम ईंधन के गुण, ईंधन के गुण ये वैसे ही होंगे जैसे हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में आपके, कि एक अच्छे स्रोत के क्या क्या गुण होने चाहिए जब हम उसे उपयोग में ला रहे हैं। तो पहला तो हम यहीं से लेंगे कि जो भी हमारा एक आदर्श ईंधन है उसका जो ऊष्मीय मान है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। अधिक ऊष्मीय मान वाला, ऊष्मीय मान वाला। दूसरा, सुरक्षित भंडारण में, हम उसे सुरक्षित रूप से रख सकें। दूसरा, परिवहन के लिए वो आसान हो, उसका अगर हम परिवहन कर रहे हैं तो आसानी से हो सके, परिवहन में आसान। उसके अलावा सस्ता होना चाहिए, सस्ता। उसके अलावा प्रदूषण ना करे, प्रदूषण कम से कम, अथवा नहीं करता हो, उसके अलावा उपयोग में आसान, जब हम उसे उपयोग कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि हमें उसे चलाना ना आए, उपयोग में सुविधाजनक, और जब जले तो आसानी से जल सके। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो हमारे एक आदर्श ईंधन के अंदर होनी चाहिए। जो हमारे ऊष्मा के स्रोत हैं वो हमारे, या ये कहें कि ऊर्जा के जो हमारे स्रोत हैं, हम उन्हें, हमने बात करी थी हम उन्हें नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत तो कहते ही हैं, साथ साथ हम उन्हें गैर विकल्पिक और विकल्पिक स्रोत भी कहते हैं, वैकल्पिक और गैर वैकल्पिक। वैकल्पिक स्रोत क्या है? जो हमारे बहुत उस पृथ्वी पर बहुत समय से ही पड़े हुए हैं, हमारी पृथ्वी पर बहुत समय से, पूर्वजों के टाइम से ही वो उपस्थित हैं, और उनके लिए हमें खर्च करते समय सोचना नहीं पड़ता है। जैसे हमारा फॉसिल फ्यू, क्या कहते हैं, हमारे जो जल है, ऊर्जा है, ये सब। और गैर विकल्पिक क्या है? कि जिनके बारे में हमें सोचना पड़ता है कि हाँ, अरे इसको अगर हमने यूज़ कर लिया तो अब आगे हम क्या करेंगे अगर ये ख़त्म हो गया तो। जैसे हमारा पेट्रोल है, डीजल है, या हमारा जो आपका बायोमास है उसको हम अगर ख़त्म करते चले जाएंगे तो उसे हम फिर फर्दर कैसे ला सकते हैं। तो या हमारा कोयला है, अगर वो खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, पेट्रोल खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे। तो ये सब हमारे कुछ ऐसे ऊष्मा के स्रोत हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले हमें सोचना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, आपको ये समझ में आ गया हो अच्छे से, इसे अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।